वीडियो बनाना था, इन्होंने लाइट चालू कर दी। बस में लेके जा रहे छोड़ने के 8 बजे बस हमें है ना जनकपुर छोड़ दिया है। बस की तरफ से आपको ये पानी का बॉटल मिलता है। खाना थोड़ा ज्यादा महंगा था यहाँ पे। ऐसा आवाज में कर रहा हूँ काठमांडू को बाय बाय, और मैं यहाँ से निकल रहा हूँ जनकपुर के लिए। मांडू से मैक्सिमम 265 किलोमीटर या 270 किलोमीटर है। मैं ब्रिज पे आ चुका हूँ, ऐसा बना हुआ है और आज लगा रखा है बारिश। ये इधर से गाड़ी घोड़ा चलता है और इधर से आप पैदल जा सकते हो, काफी अच्छा लग रहा है। मैंने कर लिया ब्रिज को एंड, और मैं दिखाता हूँ कैसा दिखता है। पूरा लोहे का ब्रिज बना हुआ है, इतना लंबा ब्रिज है ये। मामा यस, ये पहाड़िया बोका पहाड़िया बोका है, हम बिहार का। हमारा नाम रंजन श्रीवास्तव मोतिहारी, ये मेरा मामा है। टिकट का ऑफिस मैंने यहीं से टिकट लिया था। अभी यहाँ से मुझे बस लेने के लिए मैक्सिमम जाना पड़ेगा 2 किलोमीटर दूर। जो यहाँ के जो टिकट काउंटर बैठते हैं वो मुझे खुद अपने बस तक छोड़ रहे हैं, मैं उनके साथ ही बैठ के जा रहा हूँ बाइक पे। चलिए अंदर, अभी दिन में बस अलाउ नहीं होता सिटी के अंदर, इसलिए बस सिटी के बाहर लगा हुआ है। तो अभी हम लोग वहीं जा रहे हैं बस स्टॉप पर। भाई साहब बस हमारे 7 बजे खुल जाएंगे और अभी बज चुके हैं 6, 1 घंटा है अभी। मैक्सिमम 10 मिनट में मैं बस स्टॉप पर पहुँच जाऊँगा। नेपाल में हिंदू कैलेंडर को फॉलो करते हैं, और ऐसा हुआ है कि मैं 2024 से सीधा 2081 में आ गया, मतलब 50 साल 60 साल आगे आ चुका हूँ मैं कुछ घंटों में। तो ये रहा भाई टिकट, और मैं लेके जाऊँगा आपको जनकपुर, जो सीता माँ का जन्मभूमि है। और इसमें जनकपुर का देखिए आप मंदिर का फोटो लगाया हुआ है, ये वाइट वाली। तो भाई साहब मैं निकलता हूँ यहाँ से आपको लेके जनकपुर, और मेरा जो बस आने वाला है वो 7 बजे तक आने वाला है। अभी मैक्सिमम 6:30 हो गए, आधा घंटा और मुझे यहाँ पे वेट करना पड़ेगा। चाय का दुकान, जब तक मेरी बस आ रही है, बस 10 से 15 मिनट मेरी बस आ जाएगी, तब तक मैं चाय पी लेता हूँ, और फिर चाय पी के मैं सीधा बस में सवार हो जाता हूँ। मेरी बस आ गई है और ये लेके जा रहे हैं बस पे, तो जहाँ से टिकट लिया था वहाँ से तो पैदल लेके जा रहे हैं। शायद आगे लगी हुई है हमारी बस, तो देखता हूँ भाई। 7 तो बज गई है, मतलब 7:05 बाकी है, तो भाई शायद टाइम पे यहाँ पे बस, एक चीज़ तो है। थोड़े दूर चला गए, यहाँ पे लाके रुक दिया, शायद इनका बस यहाँ पे आएगा। और आप देख सकते हो शाम का माहौल क्या हो रखा है अभी। भाई साहब यहाँ पे बादल देखो कितना घना लगा रखा पहाड़ के ऊपर ये। फाइनली मैं बैठ गया अपने सीट पे, मेरा सीट नंबर 14 था सबसे पीछे में। मुझे पहले पता होता कि सबसे पीछे है काट के दे रहे, तो मैं उस समय ही बोल देता भाई साहब, लेकिन मैंने पूछ नहीं पाया कि मेरा सीट कौन सा काट के दे रहे हो। बाकी भाई साहब ऐसा कुछ बस दिख रहा है, काफ़ी अच्छा है बस, देखने में तो सही लग रहा है। यहाँ पे पंखा सर के ऊपर ही लगा है, और साथ में AC भी यहाँ पे लगा हुआ है। ये AC रहा, AC तो सही चल रहा है। अभी रास्ते में मैं देख रहा हूँ, वाईफाई का अभी तो ज़रूरत नहीं है मुझे, आगे देखता हूँ मुझे वाईफाई का क्या सीन है, मैं कनेक्ट करता हूँ अपने फ़ोन से। बाकी भाई ये पूरा रात का सफ़र होने वाला है हमारा, कि जब मैं आ रहा था काठमांडू तो भी मैं रात में ही बस पकड़ पाया था, क्योंकि ज़्यादा करके मैक्सिमम भाई रात में ही बस चलती है, दिन में बस चलता ही नहीं कोई अपना नेपाल में। ज़्यादा करके जो बड़े बड़े बस है, जो बड़े ट्रैवल मतलब दूर, मतलब आपको 100-200 किलोमीटर जाना है, तो आपको नाइट में ही बस मिलेगा, नहीं तो दिन में सोमो और जीप वगैरह चलता है। तो जो मैं पकड़ने वाला था दिन में, पर वो पकड़ नहीं पाया, उसमें पीछे में उसमें भी बैठने को मिल रहा था, पर वो पीछे 4-4 जन थे भाई, 3 जन के सीट पे। फाइनली अभी है सीट थोड़ा सा, बस एक रात की बात है, मुझे यही रात निकालना। रास्ते में थोड़ा सा अभी इधर बारिश 500 मीटर पहले नहीं हो रहा था और इधर होने लगा। ये देखो बारिश खत्म, इधर धूल मिट्टी उड़ रहा है, यहाँ पे रोड सूख गया है भाई साहब, सब वही चर्चा कर रहे हैं। तुरंत बारिश हो रहा था, तुरंत इधर बारिश ही नहीं हो रहा है। ओ भाई साहब पूरा मिनी थिएटर बना दिया इन लोगों ने बस को। ये कितने सारे स्पीकर लगा रखी, ये 1, 2 और के हाँ सब लोग बोल रहे आवाज कम करने के लिए, इतना सारा आवाज दे दिया इन्होंने। प्रॉपर वाइट थिएटर लग रहा है ये बस, अब ये जाके आवाज कम कर रहे हैं। रहा होटल, यहाँ पे कुछ खाने पीने के लिए गाड़ी रुकी है कुछ 2-3 घंटे के बाद, अभी बज रहे हैं 9:10। और ये रहा भाई सेम कंपनी की 2 बस है, एक ये जिसमें इस वाला में मैं बैठा हुआ हूँ, दूसरे वाले पता नहीं मतलब साथ ही चल रहा है, पर इसमें मैं हूँ। खाना हो गया है ख़त्म, मतलब सबने खा ली है। अभी थोड़ी थोड़ी बारिश भी यहाँ पे होना शुरू हो गया है, और बस हो गई हमारी स्टार्ट, और बस हम निकलने वाले हैं। ये कुछ ऐसा था माहौल यहाँ का भाई साहब, खाना थोड़ा ज़्यादा महंगा था यहाँ पे, ये देखो कुछ ऐसा दिख रहा है।
और ये रहे हमारे बसेस। खाना वाना तो हो गया है, अभी बस पे बैठ गया हूँ निकलने के लिए। मैं अरे यार मैं किस चीज़ देख रहा हूँ यहाँ पे, ये देखो काफ़ी सही सिस्टम दिया हुआ है, आप आराम से एक लाइट जला के यहाँ पे बुक भी पढ़ सकते हो। और वैसा वैसा कुछ प्रॉपर ये सिनेमा हॉल के जैसे लग रहा है। फिल्म को उन्होंने अभी तक रोक दिया है क्योंकि ये सब खाना खाने के लिए रुके हुए थे। और बस भाई थोड़ी देर में बस चलने ही वाले हैं, बस सब अपना अपना एसी बंद कर रहे हैं क्योंकि भाई बारिश भी हो रही है और ठंड भी लग रहा है थोड़ा बहुत, तो सब एसी बंद करें। पर ठीक है, गाड़ी में हालत ख़राब थी, अभी थोड़ा सा रात ही तो सिर्फ ठंड लगना है। आगे फिर जब मैं जनकपुर जाऊँगा तो उधर का टेम्परेचर भी काफ़ी ज़्यादा ही है, मतलब बिहार में अभी चल ही रहा था जब मैं बिहार में था तो 37 ऐसा कुछ टेम्परेचर था। तो भाई आज एसी का एंजॉय कर लो बस में, बाकी फिर तो आपको गर्मी लगने ही वाला है। लाइट करता हूँ बंद, ये देखो बहुत सही है। और यहाँ पे चार्जिंग का भी दिया हुआ सिस्टम, वाईफाई है पर उतना अच्छा स्पीड नहीं है यहाँ पे वाईफाई का बस में, पर ठीक है आप नॉर्मली म्यूजिक सुनते हुए जा सकते हो। एक सुविधा मुझे बहुत सही लगी है, बस की तरफ से आपको ये पानी का बॉटल मिलता है फ्री में। ये एक मूंग दाल देखे गए, मतलब दो मूंग दाल और एक पानी का बॉटल। भाई साहब और कुछ मैं बोल रहा हूँ अगर है तो दे जाओ भाई। तो हो गया लाइट बंद, अब लग रहा है मैक्सिमम सच में कि हम एक मिनी थिएटर में बैठे हुए हैं। ठीक है कोई नहीं, चले चले चले। जब मैं वीडियो बना रहा था इन्होंने लाइट चालू कर दी ताकि वीडियो अच्छा से बने। सुबह के बज चुके हैं 7 बजे, बस हमें है ना जनकपुर छोड़ दिया है। और ये कोई चौक है मुझे याद नहीं आ रहा, पर यहाँ से ठीक 5 मिनट की दूरी पे है। और ये आपको जितने भी ये बैटरी वाले रिक्शे दिख रहे हैं ना, जिसको टोटो बोलते हैं शायद बिहार में, ये आपको 20 रुपीज़ में जनकपुर मंदिर छोड़ देगा। तो मैं निकलूँगा बस 5-10 मिनट में चाय वाय पी के, पहले यहाँ पर थोड़ा सा चाय वाय पी लूँ, थोड़ा फ्रेश हो जाऊँ, फिर मंदिर निकलूँगा मैं भी। फिर यहाँ से मैं जा रहा हूँ जानकी माता मंदिर। यहाँ से जानकी माता मंदिर आप इधर से जाओगे बिहार बॉर्डर की तरफ तो आपको मैक्सिमम 1 किलोमीटर दूर पड़ेगा। और आप इस तरफ जाओगे जहाँ पे राम जी ने धनुष तोड़ा था शिव जी का, वो यहाँ से कुछ 14 किलोमीटर दूर है। आपको लेके चलता हूँ जानकी मंदिर सबसे पहले, और उसके बाद मैं दिखाता हूँ वहाँ पे क्या क्या चीज़ें देखने को मिलता है। फिर मैं वहाँ से जाऊँगा जहाँ पर राम जी ने धनुष तोड़ा था शंकर जी का। सब कुछ ऐसा बना रखा है चार रास्ता यहाँ का, ये देखो आप इस तरफ जाओगे तो राम जी ने जहाँ पे धनुष तोड़ा था वो रास्ता जाता है, और इस तरफ आप जाओगे तो जानकी मंदिर की तरफ आप चले जाओगे।